राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर स्कूली छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए हैं। शनिवार को छात्र छात्राओं ने कपकोट तहसील मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आरोप लगाया कि शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा नहीं गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समस्या यह है, हमारे बच्चों 9 साल हो गए हैं, केमिस्ट्री का लेक्चरर नहीं है। राजकीय इंटर का आदर्श विद्यालय नाम दिया है, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट, वहाँ न केमिस्ट्री का टीचर है, न संस्कृत का है, न इंग्लिश का है। सरकारें आती रहती है जाते, लेकिन सरकारों ने किया क्या आज तक बच्चों के लिए? बच्चे जो है अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, हम तो बच्चों के सहयोग के लिए आ रहे इधर। अगर बच्चों की मांग अगर हफ्ते के अंदर पूरी नहीं हुई तो अभिभावक भी बच्चे भी जो है यहाँ क्लास लगा के बैठेंगे, हम यहीं पढ़ाएंगे ये लोग। शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी, सभी बच्चे और अभिभावक जो है यहीं बैठेंगे। एक हफ्ते के अंदर टीचरों की अगर वैकेंसी नहीं आई यहाँ तो। लगातार 9-10 साल से हम इस स्कूल के बारे में टीचरों के लिए लड़ रहे हैं, आज तक एक न शासन न प्रशासन में कोई विधायक न किसी सांसद ने न सुनी, और बच्चों के लिए रास्ता तक वहाँ नहीं है। और पानी की लाइन 1 साल पहले दैवीय आपदा में टूटी थी, वो पेयजल योजना अभी भी ध्वस्त है। बच्चों के लिए पानी की लाइन तक नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। और हमने कई बार डीएम साहब और विधायक जी, सांसद जी और एसडीएम साहब, डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई अभी तक स्कूल के बच्चों के हमारी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। और स्कूल का रास्ता आप खुद देख सकते हैं, ऐसे जान जोखिम में डाल के बच्चे स्कूल जाते हैं, पर के साथ दैवीय आपदा में स्कूल का रास्ता टूटा, अभी वो रास्ता जैसे का पैसा है। एसडीएम साहब ने वहाँ पर जो है जाकर के समस्या सुनी थी और उसके बारे में उन्होंने आश्वासन भी दिया होगा। तो कस्तूरबा गांधी का जो आवासीय विद्यालय था उसके उद्घाटन में भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं टीचर की पूरी कर दी जाएंगी। और मुझे आशा है कि ये चल रहा है, उनकी तरफ से व्यवस्थाएँ चल रही हैं और बहुत जल्दी इसमें व्यवस्था हो जाएगी। सर, जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग अगले हफ्ते से हम लोग ये तहसील पर धरना देंगे, इसके लिए प्रशासन से आप क्या मांग रखेंगे? प्रशासन के यहाँ ये तो आप सिस्टम से बाहर की बात कर रहे हैं, तहसील में तो शिक्षा हो नहीं सकती, शिक्षा तो स्कूल में ही होगी। और जहाँ तक इनका कहना है कि 10 तारीख से हम यहाँ पर धरना देंगे, 10 तारीख को सेकंड सैटरडे है, 11 को संडे है और 12 तारीख को ईद है, 3 दिन की लगातार छुट्टी है, तो यहाँ पर धरना देके कोई फायदा नहीं है, तो बंद रहेगा। और ऐसी नौबत भी नहीं आएगी कि आपको धरना देना पड़े, 12 तक मुझे लगता है कि ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी और आपके टीचर आ जाएंगे। कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।